हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टाइम टेबल बनाने में हेल्प करूंगी जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है 20-30% बढ़ जाएगी। और फिर मैं बताऊंगी कि इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, और फिर लास्ट में मैं बताऊंगी कि अगर आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रहे तो आपको क्या करना चाहिए। सो टाइम टेबल बनाना कैसे है, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ते हो? तो इसका आंसर मैं दूं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले अगर पढ़ने बैठेंगे तो वो सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उनको बहुत इजी लगता है। तो आप भी यही करते होगे, आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसको आप सबसे पहले पढ़ते होगे। लेकिन मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट आपको इजी या डिफिकल्ट लगता क्यों है? कोई सब्जेक्ट आपको इजी तब लगता है जब आप उसको सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो उस सब्जेक्ट पर, और कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट कब लगता है? जब आप उसको सबसे कम पढ़ते हो। तो जिस सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो वो आपको इजी लगेगा, और जिस सब्जेक्ट पे आप सबसे कम टाइम लगाते हो वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अब मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि आपको सबसे पहले वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ना है, उसका एक रीजन है। तो इनिशियली जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपकी कंसेंट्रेशन और फोकस जो है सबसे ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है अगर आप वो पढ़ोगे तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अब मैं डिस्कस करती हूँ कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। सो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैं एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ले रही हूँ पीसीएमबी का, आपके पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है पैटर्न यही फॉलो करना है जो मैं डिस्कस करूंगी। इंग्लिश जो है मोस्टली स्टूडेंट्स का 4-5 डेज में अगर आप एट अ स्ट्रेच करो तो वो हो जाता है। तो ये आपको 4-5 डेज में फिनिश हो जाएगा। इसको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ टाइम टेबल में, क्योंकि ये बहुत ईजिली हर कोई स्टूडेंट कर लेता है। तो मेनली आपको फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में। अब इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको सेग्रीगेट करना है, वो 2 सब्जेक्ट्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और वो 2 सब्जेक्ट्स जो आपको ईजी लगते हैं। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ, 2 डिफिकल्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 2 ईजी में लिख देती हूँ मैथ्स और बायो, या आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मैं अब आपको डे 1 का टाइम टेबल बता रही हूँ आप कैसे बनाओगे। जब आप पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो सबसे पहले आएगा मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब जब आप इस सब्जेक्ट का गोल कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप जो बाकी का बचा हुआ दिन है आप वो सब्जेक्ट करोगे जो आपको सबसे इजी लगता है। तो मोस्ट डिफिकल्ट प्लस मोस्ट इजी सब्जेक्ट, ये होगा आपके डे 1 का टारगेट। मोस्टली स्टूडेंट्स को फिजिक्स लगता है तो मैं इधर फिजिक्स लिख देती हूँ, पर इन दोनों में से जो सबसे इजी लगता है लोगों को बायो लगता है तो मैं इधर बायो लिख देती हूँ। डे 2 पे आपको क्या करना है, सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कम डिफिकल्ट लगता है। तो फिजिक्स मोस्ट डिफिकल्ट है, तो ये हो गया केमिस्ट्री, और बाकी का जो बचा हुआ दिन है आपने वो सब्जेक्ट करना है जो आपको कम इजी लगता है, तो वो हो गया मैथ्स। तो डे 1 में आपने क्या करा, फिजिक्स और बायो, डे 2 में आपने करा केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा। तो फिर नेक्स्ट डे फिजिक्स बायो, फिर अगले दिन केमिस्ट्री और मैथ्स, तो ये आप ऑल्टरनेटिवली ये पैटर्न फॉलो करते रहोगे। ये बहुत स्टूडेंट्स को मैंने फॉलो करवाया है, ये जो है बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है। और हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है उसके लिए अगर आप चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इसको फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मंथली गोल बनाना है कि आपको इस मंथ के एंड तक क्या अचीव करना है, और फिर उसको आपको ब्रेक डाउन करना है वीकली गोल में कि आप इस वीक में क्या अचीव करने वाले हो। और ये सब आपके माइंड में नहीं, एक पेपर पे लिखा होना चाहिए। तो आपने वीकली गोल बना लिया, तो आपके पास अब वीकली गोल है कि आपको इस वीक में ये चीजें खत्म करनी है। आप वीकली और मंथली गोल तो आपने एडवांस में प्लान कर लिया आप क्या करोगे, लेकिन जो डेली गोल है वो उसको एक दिन पहले सोने से पहले आप बनाओगे कि अगले दिन आपको क्या करना है। तो ये भी आप सोने से पहले लिखोगे कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है। जो आप डेली गोल कर रहे हो ये सारा जो है एक स्टडी टेबल पे आपके लिखा होना चाहिए, तो जितना वो आपको बार बार दिखेगा कि आज क्या करना है, आपको रहेगा कि नहीं मैंने तो अभी तक दोपहर हो गई है, मैंने अभी तक कुछ नहीं करा। तो इसको आप क्या करो, अपने टेबल पे लगा दो। आपने एक दिन पहले गोल बनाया कि आप केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ोगे नेक्स्ट डे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने केमिस्ट्री तो कर लिया लेकिन अब आपका मैथ्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो वो बुक्स को बंद करते हैं, उसको रख के छोड़ देते हैं और टाइम पास करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उस केस में आपको क्या करना है,
तो आप पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उस चैप्टर पे स्विच कर जाओ जो आपको इजी लग रहा है थोड़ा। या आप दूसरी चीज क्या कर सकते हो, तो आप या तो आप दूसरा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैथ छोड़ के आपने बायो का कोई इजी सा चैप्टर कर लिया तो आप सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो ऐसे। लेकिन ये चीज जो है आपको कभी कभी करनी है, लेकिन ऐसा रोज नहीं होना चाहिए कि आप अपने टाइम टेबल में ऐसे स्विच कर रहे हो। ऐसा मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, तो हमारे साथ तो रोज ही ऐसा होता है, तब क्या करें। तो उसके लिए मैंने उनको ये आंसर करा कि इनिशियली क्या होता है, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करने में प्रॉब्लम आए, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे तो एट द एंड इसका जो फ्रूट होगा वो तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, जब आप इसको कुछ टाइम तक लगातार करोगे तो आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करने की आदत हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, नहीं हो रहा हो, बस कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना है इस टाइम टेबल को फॉलो करने के। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैं ऐसी कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। नेक्स्ट चीज ये है ट्रैक ईच एंड एवरी आवर। अब जो है टाइम बहुत ही कम रह गया है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका एक एक घंटे को ट्रैक करना है कि आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो आपने जो रात को डेली गोल बनाया था कि मुझे आज ये करना है, आज मुझे ये करना है, जैसे मैंने मान लो मैंने बायो में जेनेटिक्स करना है या फिजिक्स में मैंने ऑप्टिक्स करना है, अब चेक करो बाय द एंड ऑफ द डे क्या आप अपना डेली गोल अचीव कर पाए। जो ऑप्टिक्स के अंदर आपने गोल लिखा था कि आज आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, बैग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ये आपने करे या नहीं करे। और अगर आप नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, ये आपको सब रीजन उस पेपर पे लिखना है। बिलीव मी, आप जब तक इसको अपने माइंड में रखोगे ये इफेक्टिव नहीं होगी बिल्कुल भी, जो मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। इसको आपने अपने पेपर पे लिखना है और ये पेपर जो है आपको अपने स्टडी टेबल पे लगाना है। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जो आप उसको अचीव नहीं कर पाए, क्या आपने कोई ज्यादा टाइम टाइम वेस्ट कर दिया था, या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे और बात करते करते और टाइम कहाँ बीत गया आपको पता नहीं लगा, या आपने टेक्सटिंग करना ज्यादा शुरू कर दिया। तो लिखो आपका क्या रीजन था कि आप क्यों नहीं अचीव कर पाए। तो अब आपको क्या करना है, जिस वजह से आप वो गोल नहीं अचीव कर पाए उस वजह को आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो जैसे कि आपने लिखा कि एक फ्रेंड का कॉल आ गया था और आप ये गोल नहीं अचीव कर पाए, तो अगले दिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और आपका गोल नहीं अचीव हुआ तो उससे आप उस टाइम बात नहीं करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी सोशल, लेकिन आप अपने गोल अचीव करने के बाद ये काम कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज मैं डिस्कस करती हूँ, पढ़ने का आपका स्केड्यूल क्या रहना चाहिए। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो आपको 2-3 आवर्स जो है एट अ गो बैठना है, और उसके बाद 2-3 आवर्स एट अ स्ट्रेच बैठने के बाद आप 10-15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। तो आपको 2-3 आवर्स की 3-4 शिफ्ट्स में बैठना है, तो 2-3 आवर्स एक बारी बैठे, फिर 10-15 मिनट्स का ब्रेक लिया, फिर आप 2-3 आवर्स बैठे और फिर 10-15 मिनट्स का ब्रेक लिया, ऐसे आपको 4 शिफ्ट्स करनी है। तो अगर मैं इन अ डे बात करूं तो 9-12 आवर्स आपको पढ़ना चाहिए इस टाइम पे। ये बहुत ही क्रूशियल है कि इतना मिनिमम टाइम आप स्पेंड करो। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि डे में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अगर आप नाइट में पढ़ते हो, और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। उसका रीजन मैं बताती हूँ। अर्ली मॉर्निंग बात करें तो आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और काफी ज्यादा फोकस के साथ आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो जैसे 5 AM या 6 AM, तो आपने दिन भर में जो अपना गोल अचीव करना है वो मॉर्निंग के 5 AM टू 10 AM ही आप अपना 70% गोल अचीव कर सकते हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने ऐसा खुद भी इम्प्लीमेंट करा है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये इम्प्लीमेंट करा है। और कन्वर्सली अगर आप नाइट स्टडी करते हो तो क्या होता है, नाइट में हमारा ब्रेन जो है वो उतना एक्टिव नहीं होता, तो जो चीज़ आपको मॉर्निंग में पढ़ने में हाफ एन आवर लग रहा है उसको आप नाइट में पढ़ोगे तो आपको 1 आवर भी लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो सो वेक अप एट 5 AM। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बार बार मेरे चैनल पे आकर इन वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।
इस वीडियो में मैंने आपको ये तो डिस्कस कर लिया कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, लेकिन आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी।